मेघालय में पिछले कई सालों से महादेव के भक्त उज्जैन की तर्ज पर उनका भव्य श्रृंगार करते हैं। हर त्योहार पर शिवलिंग पर मिट्टी से अलग अलग प्रतिमाएं बनाई जाती हैं, जिसे देखते ही लोगों का मन और आत्मा दोनों ही तृप्त हो जाती है। खास बात तो ये है कि जो व्यक्ति ये श्रृंगार करता है वो कोई कलाकार नहीं बल्कि महादेव का भक्त है। इससे साबित होता है कि जहाँ आस्था है वहाँ भगवान भी है। इस बारे में जानकारी देते हुए शिव भक्त इंद्रजीत ने बताया कि वे पिछले कई सालों से शहर के अलग अलग मंदिरों में जाकर शिवलिंग पर मिट्टी से भव्य प्रतिमाएं बनाते हैं और उनका श्रृंगार करते हैं, और लोग भी खास तौर पर ये श्रृंगार देखने के लिए आते हैं, चाहे जन्माष्टमी हो, शिवरात्रि हो या फिर नवरात्र। वे हर त्योहार पर शिव की अलग अलग प्रतिमाएं बनाते हैं। एक्चुअली में क्या है कि ये श्रृंगार जो है मुझे महाकाल जी के इंस्पिरेशन से मिला है। एक्चुअली में मैं उनका ध्यान करता था और उनके श्रृंगार को देख के मेरे मन में बड़े भाव भरते थे कि मैं भी इस प्रकार का श्रृंगार कर सकूं। तो उज्जैन से जो महाकाल जी का श्रृंगार आता है उसको मन में धारण करके उसी प्रकार से इसको मैं सीख पाया हूँ जी। कम से कम काफ़ी अम्बाले के काफ़ी मंदिरों में, जैसे शिव कुटीर मंदिर हो गया, सनातन धर्म मंदिर हो गया, अपना हाथीखाना मंदिर हो गया, काफ़ी मंदिरों में अम्बाला के श्रृंगार कर चुके हम लोग जी। श्रृंगार में ऐसा होता है, दो प्रकार का श्रृंगार करते हैं हम लोग। एक होता है चंदन से, जिसमें चंदन से बनाया जाता है, और दूसरा है मिट्टी से, जिसमें कि हम लोग मिट्टी से पूरा फेस पहले बनाते हैं, उभारते हैं, उसके बाद उसको पेंट करते हैं और फिर उसको सारा डेकोरेट करते हैं। इसके अंदर जो है कम से कम 2 से 3 घंटे पूरी प्रक्रिया में लगते हैं, जो कि श्रृंगार के करने से लेकर उसको डेकोरेट करने तक का होता है। तो ये जो श्रृंगार है मिट्टी का, तो इसको हम नेचुरल मिट्टी से करते हैं और इससे पर्यावरण की शुद्धि बनी रहती है। ये मिट्टी जो है एक तो रिसाइकलिंग हो जाती है, दूसरा है जो इससे फेस की क्लैरिटी बहुत आती है, जो भक्तजनों को देखने में बहुत ही मनमोहक और आकर्षक लगता है, और इससे हमारे पर्यावरण की भी शुद्धि रहती है। मिट्टी दोबारा रिसाइकलिंग हो जाती है, दोबारा खेतों में चली जाती है और किसी भी प्रकार से किसी भी चीज को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। शिव भक्त इंद्रजीत के द्वारा बनाई गई प्रतिमाओं की खास बात ये है कि उन्होंने ये श्रृंगार करना कहीं से नहीं सीखा, बल्कि भगवान के मोह ने उन्हें ये सब सिखाया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए अम्बाला से कृष्ण बाली की रिपोर्ट।